हाय यू वेल इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चुमड़ा को जिसके राइटर हैं अरशद मीर फर्स्ट वन आपको ये पता होना चाहिए चुमड़ा के लुभु मायने क्या हैं तो चुमड़ा का मतलब होता है नोक चुबन या तन्ज़ु मिज़ा के एक्चुअली तो ये पंद्रह इन्शाइँ हैं जो तन्जु मिज़ा पे मबनी हैं अगर हम अरशद मीर का बैकग्राउंड देखते हैं तो इनका पूरा नाम था अरशद हुसैन और ये लाहौर में पैदा हुए थे मियाँ अता मोहम्मद के घर पर इनके दो पंजाबी मजमू अब तक पब्लिश हो चुके हैं फर्स्ट वन इज़ चूबड़ा और सेकेंड वन इज़ चूंडियाँ चुम्बड़ा में पंद्रह स्टोरीज शामिल हैं ठीक है फर्स्ट वन इज़ दिबाचे दिवाचे में एक्चुअली इन्होंने दिवाचे निगार को बताने की कोशिश की है कि पहले दिवाचे निगार ज़्यादा नहीं थे फिर लोगों ने इस फन को सीखा और प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और अब तो ये कि आप इंट उठाते हो तो उसके नीचे से आपको कहीं दिवाचा निगार न... मिल जाते हैं लेकिन इन्होंने जो बहुत अहम बात की है वो ये कि आयदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई लेकिन जो क्वालिटी है वो बहुत कम है यानी कि जो माहिर हैं लिखारी यानी जो माहिर दिवाचे निगार हैं वो बहुत कम आपको मिलते हैं उसके अलावा सेकंड स्टोरी चाचा नूरा है चाचा नूरा की पर्सनालिटी और करेक्टर ऐसा है जो बहुत एग्जैजरेटिंग है मतलब हर चीज़ में एक्जैजुरीशन करना इनकी आदत है वैसे तो इनकी ये ख़ुद हलवाई हैं और मिठाई बर्फी वगैरह सेल आउट करते हैं लेकिन राइटर ने कहा है कि अगर इनकी बर्फी गेंद के तौर पर भी यूज़ हो सकती है मतलब किसी को मारो तो उसका सर फट जाए उसके अलावा अगर आप इनके इनको कह दो के लाइक आप शेरों से मुकाबला कर सकते हो वैसे ये बता रहे होते हैं कि मैंने शेरों का मुकाबला किया इसका किया मैंने इनको डर के भगा दिया लेकिन अगर इनके सामने एक दफ़ा गिदड़ आ गए थे तो ये कांपने लग गए थे तो लोगों ने पूछा कि तुमने तो शेरों से मुकाबला किया है तो इन्होंने कहा मैं थोड़ी गीदड़ों से डर रहा था वो तो मुझे डरा रहे थे तो मैं डर रहा था तो इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी दिखाई हुई है थर्ड वन इज़ आंढ गुआंड आँ गुआ मतलब हमसाए इन्होंने राइटर ने कहा कि पता नहीं लोग क्यों कहते हैं हमसाए ऐसे होते हैं वैसे होते हैं मेरे जो हमसाए हैं वो तो बहुत ही इरिटेटिंग किस्म के फर्स्ट इन्होंने बताया है कि एक पुलिस वाला है मेरे जो एक तरफ रहता है और दूसरा जो है एक रन मुरीद है और दोनों ही मुझे अजाब में डाल के रखते हैं मतलब तमाशे लगा के रखते हैं और फोर्थ है चट्टी चीरा आप चट्टी कहते हैं रिश्वत को इन्होंने रिश्वत की मुख्तलिफ किस्में बताई हैं ठीक है कि हर काम निकलवाने के लिए हमें कैसे जो है रिश्वत ऑफ़र करनी पड़ती है ठीक है मतलब डिग्री जो जाली बनवानी हो या कोई छोटा मोटा काम निकलवाना हो सियासी रिश्वत इन्होंने बताया कि वो बहुत डेंजरस किस्म की होती है फिर पेंडू नाई आ जाती है हमारे पास पेंडू नाई में इन्होंने बताया कि किस तरह जो गाँव का नाई होता है वो अपनी फ्री सर्विसज़ ऑफ़र कर रहा होता है और इस बेचारे को लोग दानों दाने दे देते हैं एनअली ठीक है ये इस तरह से हालाँकि ये सोया और शेर अगर ये गया तो बहुत से जो पूरा गांव है उसके लिए अजा बन जाएगा तो बेहतर है कि फैमिली इस पर्सन को पे ऑफ किया जाए उसके अलावा इन्होंने तकरीर का फन तकरीर तक तकरीर कहते हैं डिबेट करने यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ मुकरों की किस्में बताई हुई हैं यानी मजहबी सियासी तो इन्होंने कहा जो मज़हबी मुकर होते हैं वो तो सिर्फ तफरके डालने में लगे रहते हैं कि लोग लड़ें और इनके जो खाने पीने का जो है वो सरकट चल सके और दूसरे इन्होंने सियासी बताया कि सियासी जो है मुक्र ऐसे होते हैं कि वो जो बात कह देते हैं वो पत्थर पर लकीर है और पहले तो कहते हैं हमें वोट दो और जब इन्हें वोट मिल जाता है तो ये शकल भी देखने कह दें कि शकल भी देख के पहचानते नहीं है इंसान को ठीक है उसके बाद हमारे पास मुछा आ जाती है इसमें उन्होंने बताया है कि जो पंजाब का आ, कल्चर आया है ठीक है उसमें मुच्छों को कितनी जो होती है कितनी इंपॉर्टेंस उसको रही है और किस तरह से फ़ायदेमंद रही है और कैसे जो नौजवान नस्ल है वो इस चीज़ को आ, बैक ऑफ पे लेके जा रही है ठीक है बिल्कुल बैक एंड पे लेके जा रही है और इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर रही है उसके अलावा हमारे पास एट्थ पे आ जाता है हुक्का प्र्या प्रधान अच्छा पर्या कहते हैं पंचायत वगैरह को और प्रधान कहते हैं सरदार को यानी कि हुक्का कैसे जो है वो ये अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये और पग अगर आप इनके डिफरेंट देखते हैं ना स्टोरीज तो इसमें बहुत इनोवेटिव और बहुत इंफॉर्मेटिव किस्म के हैं लेकिन उन्होंने बताया कि हुक्का जो हज़रत लकमान ने बनाया था ठीक है फिर कैसे वो अकबर बादशाह के दौर में आया और कैसे डिफरेंट कल्चर इसको यूज़ करते हैं लाइक वो आ, अमेरिका का कल्चर है ठीक है अंग्रेजों का कल्चर है या फ्रांसीसी है ये डिफरेंट ठीक है लेकिन इन्होंने बताया है कि, कि अमेरिका में इसको हबल बबल या वाटर पाइप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका में इसे डाका बोला जाता है चीन में इसको टेंटाई के नाम से बोला जाता है ईरान में इसको किलियान के नाम से याद किया जाता है और अफग़ानिस्तान में ये चिलियम ठीक है उसके नाम से याद किया जाता है उसके अलावा इन्होंने किस्में बताई हैं कि कैसे जो है वो हुक्के की मुख्त किस्में हैं लाइक सफरी जो हुक्के होते हैं फ़र्शी हुक्का है ये मिट्टी के डिफरेंट ठीक है वो वह पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसके अलावा पग आ जाती है पग भी इंफॉमेटिव किस्म का एक इनकी स्टोरी है मतलब उन्होंने पग की डिफरेंट कैटेगरीज बताई हुई है कि कैसे पंजाब के कल्चर में ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल रही है और किस तरह से अब जो है वो लोग इसको छोड़ रहे हैं ठीक है उसके अलावा बस का सफ़र इन्होंने यहाँ पे बस के सफर को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया कि बस के सफर जो ड्राइवर होते हैं वो खेन में लगे बहुत लगे ओ और आ जाएं और आ जाएं हालांकि वहाँ पे इतनी मतलब वो बिल्कुल आवाज़ार कर देने वाला सफ़र होता है ठीक है मतलब आम नॉर्मल बंदा वहाँ पे सफर नहीं कर सकता ये उन्होंने बताने की कोशिश की है रलेदारोला अब रले कहते हैं मिलावट को यानी कि इन्होंने बताया कि कैसे हर चीज़ में अब मिलावट का रवाज आ गया इवन कि जो uh... ज़ुबान है हमारी उसमें हम लोग कैसे मिलावट कर देते हैं लाइक अगर पुलिस वाला कोई चलान वगैरह का उठ रहा है तो वो गुलाबी उर्दू में लिख देगा या जो उस्ताद थे पहले तो होते थे वो सिर्फ इल्म देना चाह रहे होते स्टूडेंट्स को लेकिन अब उन्होंने मिलावट कर दी ना इलम में भी तो अब वो सिर्फ अपने उसमें चक्कर में रहते हैं कि हमारी फ़ीसें आएँ तो वो फिर ट्यूशन डाल दी अकेडमी डाल दी और यहाँ के ड्यूज़ वहाँ के ड्यूज तो ये सब उन्होंने बताने की कोशिश की है और हमारे पास जो फिर आगे है फज्जे दी जंज अब जंज कहते हैं बारात को फज्जे यहाँ पे एक किरदार है यानी उन्होंने बताया कि वो उसको कोई चीचक निकल आई थी बचपन में तो उसका वो काफी उससे नुकसान वाला एक कह लें कि उसकी एक आंख ज़ाया हो गई और फिर उसका कुब निकल आया तो उसके जो दोस्त थे उसको कैसे लगा लगा के बातें करते थे और फिर उसने अगर शादी की मतलब उसके दोस्त जब छेड़ते थे कि तुम्हें कौन बेटी देगा अपनी तो इस तरह से जब उसने शादी की तो फिर भी लाइक वो उसको डिस्करेज किया गया तो फिर उसने कहा इससे अच्छा था मैं शादी भी ना करता इसके अलावा झीमा जुगती अब ये एक झीमा किरदार दिखाया है कि कैसे ये ज़िंदा दिल किरदार है और लोगों को हंसाने का काम करता है उसके अलावा प्रोहने यानी कि मेहमान के पहले वक्त में जब मेहमान आते थे वो अल्लाह ताला की रहमत हुआ करते थे और अब मेहमान आते हैं तो वो अज़ाब ही बन जाते हैं यानी जहमत बन जाते हैं लेकिन अगर कि किसी की तैमादारी के लिए आ रहे हैं या यादत के लिए तो वो पूरा टोला उठा के ले आते हैं और आने वालों के लिए अजाब बन जाता है उनको इतना खर्चा करवा देते हैं तो ये चीज़ उन्होंने बताने की कोशिश की है इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह से आ सकता है चुमड़ा फनी फिक्री तज् या अरशद मीर दी इंशाया नगारी यही वो आपको राइटर के नाम से भी पूछ सकता है बुक के नाम से भी पूछ सकते हैं तो आपने ये दोनों चीज़ अपने माइंड में रखनी है फर्स्ट वन आप बता सकते हैं माशरती हलात अकासी यानी तकरीर का जो फन था या बस का सफ़र या प्रोने मैंने आपके साथ डिस्कस किया तो इसमें माशरती हालात की इन्होंने अकासी की हुई है पी डी एफ आपको मिल जाएगी ठीक है आप प्लेटफॉर्म पर इसी पे आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से ज्यादा समझ आ जाएगी उनके कुछ कोर्स आप लोग लिख सकते हैं ताकि आपके और अच्छे या स्कोरिंग किस्म के मार्क्स आ जाए। फर्स्ट देख लेते हैं तीजे है। जिथे बारी फेरा पावन आवन उगरों कई कई वरहे इट खड़क जुती पौला हों कि जहां से ये गुजर जाते हैं वहां पे समझ लो कि अब लड़ाई झगड़े होते ही रहेंगे उसके अलावा पेंडू दी झलक यानी कि गांव की जो मंजर निकारी होती है उसमें इन्होंने पग का मैंने आपको बताया हुक्के का इन्होंने बताया और पिंडाना आई ये ठीक है ये तीन आप लोग यहाँ पे कोट कर सकते हैं यहाँ पे रेफरेंसिंग के तौर पर इन्होंने इनकी इन्हों जो कॉलम्स हैं जो वर्डिंग है नॉवल की वो यहाँ पे लिखी हुई है आप उनको पढ़ सकते हैं उसके अलावा तहजीबी उसकाफी तबाही तबाहिद नोहा इसमें पग और परौहने ठीक है ये दोनों आप स्टोरीज को कॉर्ड कर सकते हैं कैसे जो पग से लोग पग को लोग डिस्कस कर रहे हैं और कैसे जो मेहमान होते हैं वो अज़ा बनते जा रहे हैं उसके अलावा है, हकीकत निगारी उन्होंने हकीकत बताने की कोशिश की है जैसे दिबाचे में इन्होंने एक हकीकत को खोला या भज्जे दी जंझ है या आंढ गुआ हमसाए ये चट्टी चीरा कि किस तरह जो हमारा मुआश है वो रिश्वत की लपेट में आ रहा है उसके अलावा चुमड़ा मजा किरदार अब उन्होंने उन्होंने मजा किरदार कौन चाचा नूरा एक बहुत मजाही किरदार है आंड गुआंड में जो उन्होंने पुलिस वाले का जिक्र किया या रन मुरीद का जिक्र किया वो एक मजाही किरदार है फज्जदी जानज जी, या जीमा जुपती या मुछा ठीक है ये सारे मजाहियाँ इनके आप इनको पढ़ेंगे तो खूब इन्जॉय करेंगे उसके अलावा समाजी बुराइयां वाल ध्यान अब चाहे इन्होंने अपने सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है इस तरह लेकिन समाज की बुराइयां भी उन्होंने बताई बताइए जैसे रिश्वत को उन्होंने बताया हुआ ठीक है तो आप यहाँ पे ये मेंशन करेंगे गैर ज़रूरी तवालत अच्छा अब यहाँ पर गैर जरूरी तवालत में आप ये लिख सकते हैं कि उन्होंने गैर ज़रूरी किस्म की इन्फॉर्मेशन डाल दी लाइक पग की इतनी उन्होंने किसमें डाल दी है और बताया कि किस तरह से जो है ये कल्चर के हिस्सा रहे ये प्रोहने थे ठीक है उसमें आप पढ़ेंगे ये हुक्का में जिस तरह उन्होंने बताया कि हज़रत हज़रतलकमान से कैसे हुआ या अकबर बादशाह ने इसको कैसे जो है उसके दरबार में इसको प्रमोट किया गया और किस तरह से जो डिफरेंट कल्चर हैं वो इसको यूज़ करते हैं इस तरह से इस तरह आपको चट्टी चीरा चट्टी चीरा यानी कि रिश्वत वग़ैरह उसमें आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी आप तो रेफरेंस के तौर तो पर लिख सकते हैं ये बहुत ज़रूरी है ठीक है टू गेट वेरी गुड मार्क्स उसके पढ़ते हैं इन तो उसमें आपको अखाना की जो है वो एग्जांपल्स मिल जाती है लाइक अखान कौन कौन से हो सकते हैं जे पग नहीं ते पत नहीं पत मतलब इज्जत उत्तों सिद्ध भोले ते विचो बम दे गोलेम दाश द इस तरह की डिफरेंट हैं वो आप बता सकते हैं उसके बाद जबानो बयान आप बताएंगे ठीक है कैसे इनको तंजो मजाक में अपने जो इन उनको को किया हुआ मुकदी में आप कंक्लूजन देंगे कि किस तरह उन्होंने जो ज़िंदगी के मसले मसाइल हैं उनका फ़नी वे में उनको फन के वे में फ, मतलब रीडर को हंसा भी दिए और उसको हकीकत से आशना कर भी दिए तो यहाँ पे हमारी नसर निगारी बिल्कुल एंड हो जाती है इसके बाद हमारे तहकीको तनकीद का सिर्फ एक पोर्शन रह जाता है वो भी मैं आपको करवा दूंगी और मेरा ख्याल है जितना भी अब तक तो मैंने आपको करवा दिया बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा लेकिन इनको कर लें कवर बिकॉज इट्स वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट और अगर आप दे हंड्रेड मार्क्स के देखें आप ऐसे भी के लिए भी तो हंड्रेड मार्क्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रेसिक के लिए भी कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए भी कर रहे हैं तो आप अगर आप इसके लिए भी करेंगे तो ये एक आपके एलोकेशन में आपको एक बहुत अच्छा दे देगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बस अपना ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज